किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम फिर सरदार जी के यहाँ आए हुए हैं और आज ये अपने 3630 न्यू होलैंड 4x4 के साथ प्लो चला रहे हैं जी। तीन वाले प्लो हैं जी, ये रिवर्सेबल हैं। ये एक बार आपको प्लो दिखा दूँ। सबसे पहले इसे चलाने के लिए भी बड़ा ट्रैक्टर ही चाह रहा है जी, छोटे ट्रैक्टर के बस का है नहीं। और जो इसकी कीमत है ये 2.75 लाख का बता रही है, 2.75 लाख के आसपास की कीमत है। ये लैमकन कंपनी का है जी, बता रहे कि सबसे बढ़िया कंपनी है प्लो में लैमकन ये वाली। और ये देखो नया टायर है, रेडियल टायर लग रहा है इसे। और यहाँ पे देखो इसका जो सिस्टम है, इसको हेड बोल देते हैं, बड़ा बढ़िया है जी। और इनका ये ट्रैक्टर है 57 HP का ट्रैक्टर है जी। कुछ भाई कहेंगे कि ये टर्बो वाला नहीं है भाई, ये टर्बो वाला है, इस पर स्पेशल एडिशन नहीं लिख रहा। ये शुरू का जब जो मॉडल है आया था टर्बो में, तो इसमें स्पेशल एडिशन मेंशन नहीं हुआ था, मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया था स्पेशल एडिशन। नीचे देख लो 4x4, हम आपको इसमें चला के दिखाएंगे और पूछेंगे कितना तेल खा रहा ट्रैक्टर। 2x2 में भी चला के दिखाएंगे और 4x4 में भी। सरदार जी बता रहे कि 2,95,000 का प्लो आया था ये रिवर्सेबल प्लो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल चला के दिखाएंगे थे मैं एक बार। ये देखो जी ये टायर भी अपना आप ही घूम जाता है। देखिए भाई इसका टायर भी अपना आप ही घूम जाता है। ये देखो ये टायर इसी हिसाब से लगा हुआ है, मैं दिखा दूँ, ये टायर अपना आप ही घूम जाता है। भाइयों अब हमको 2x2 पे चला के दिखाएंगे और 4x4 पे भी चला के दिखाएंगे, दोनों में फर्क दिखाएंगे कि फर्क कितना। पहले 2x2 सरदार जी कह रहे, पहले पिछले पिछले टायरों वाला चला के दिखाएंगे कितना फर्क पड़ रहा। ये देखो भाई ये है 2x2। भाई ट्रैक्टर स्लिप मार रहा, इधर से दिखा दूंगा एक बार। ये देखो ये चक्कर पूरा 2x2 का लेके आवेंगे, इससे अगले वाला चक्कर लेके आवेंगे जो 4x4 पे लेके आवेंगे। ये देखो तुम्हें पता लग जाएगा। सरदार जी कह रहे कि 4x4 में डाल दूंगा, मैंने कहा नहीं सरदार जी, ये चक्कर 2x2 में लेके आवेंगे, उधर से आते हुए जो चक्कर आएगा वो 4x4 में लेके आएंगे। इतना फर्क पड़ जाए जी 2x2 का, अभी तो देखेंगे आगे। ट्रैक्टर में वेट भी लग रहे, ट्रैक्टर स्लिप काट रहा। ये देखो मट्टी पलटती जा रही, वैसे लगा बहुत रखा सरदार जी ने, ऐसी बात नहीं। 3 MB वाला प्लो भाई, खींचना जो भी बहुत भारी है ये, चल्ला बहुत भारी हो जाए खींचने के लिए। पक्की जमीन है, डक्कर जमीन है, बिल्कुल डक्कर। एक तो रेतला डांडा कह दें जिसे, वो नहीं है, बिल्कुल पक्की जमीन है। ट्रैक्टर स्लिप काट रहा, वैसे तो इतने नहीं काट रहा, 2x2 चल रहा ना, अगर 4x4 चला के दिखावेंगे कि उसमें क्या रिजल्ट है। इससे पहले मल्चर चला रहे थे, मल्चर चला के पक्की अब नीचे दब जाएगी, फूकने फूकने का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, खाद भी लगेगा। ये देखो भाई बढ़िया है, बड़े किसान हैं, बड़े इंप्लीमेंट हैं, बड़े इंप्लीमेंट से खेती। आजकल छोटे किसानों की तो बस किससे यो मांग लो, किससे यो मांग लो, अगर कोई दे भी दे मांगा तो इसे छोटा ट्रैक्टर वैसे नहीं चलाने का। अब देखिए सरदार जी बैक करके लगावेंगे। मैं आपको इसका गियर दिखाऊंगा एक बार, 4x4 का गियर, कि गियर कहाँ है 4x4 का। लगा ये देखो जी 4x4 का गियर लग गया। ये देखो मारा स्लिप,
हो गया बिल्कुल सस्का है, बिल्कुल रेड़ा चल रहा, बिल्कुल ही मलाई। कितना फर्क भाई, बहुत फर्क है 4x4 का 2x2 का। तो ट्रैक्टर की स्पीड भी बढ़ गई। स्पीड क्यों बढ़ गई? स्पीड इसलिए बढ़ गई, ट्रैक्टर स्लिप मारना ट्रैक्टर ने बिल्कुल बंद कर दिया। और जब स्लिप मारना बंद कर दिया तो जितने तेजी से टायर घूम रहा उतने तेजी से आगे बढ़ रहा और लोड कम हो गया ट्रैक्टर का। देखो मैं आगे जाके दिखा रहा, अब अगले टायर भी जोर लगा रहे दिख रहे होंगे 4x4 में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दिया करो, वीडियो में कोई कमी आकर है ना तो उसमें बता दिया करो कि भाई थारे वीडियो में यो कमी है। जैसा तुम कहोगे वैसी वीडियो बना देंगे, पर तुम्हें कमेंट करके बताना होगा कि भाई भाई बहुत धूल उड़ रही है। कमेंट करके बताना होगा कि भाई वीडियो में यो कमी थी, यो बात बढ़िया नहीं लगी। बस अगली बार को वो नहीं होना काम। इधर से देख लो एक बार, कुल मिला गया यार बढ़िया बढ़िया जुगाड़ है। ट्रैक्टर भी बड़ा, अब एक बार सुपर बैठ के देखेंगे कि कितने आरपीएम ड्रॉप कर रहा है। 2x2 में कितने आरपीएम ड्रॉप कर रहा है, 4x4 में कितने आरपीएम ड्रॉप कर रहा है। तो मैं ट्रैक्टर चल रहा था वो मीडियम के पहले में चल रहा था, अब हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने आरपीएम ड्रॉप करता है 2x2 पे और 4x4 पे, दोनों पे दिखाएंगे कि कितने आरपीएम ड्रॉप करेगा। ये टर्बो वाला है, इस पर स्पेशल एडिशन लिख नहीं रहा वैसे, पर है टर्बो वाला। मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठूंगा। ये टायर के बहुत फायदे हैं किसान भाई, एक बार बताऊं मैं, इससे ना बिल्कुल ही स्टेबल चलता है, मतलब कहीं ज़्यादा कम नहीं लगता, बिल्कुल स्टेबल चलता है। ये टायर अपना भी एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। देखो टायर भी अपना घूम जाता है। मैं ट्रैक्टर में बैठूंगा और देखेंगे कि कितने आरपीएम ड्रॉप करता है। वजन भी बहुत है, जैसे ट्रैक्टर भी थोड़ा सा खड़ा सा हो रहा, ये घूम गया।
ये हमारे सरदार जी हैं, हाँ जी 2x2 चला के देख रहे हैं कितना का आरपीएम ड्रॉप करता। बस सियान भाई 2x2 पे चला के देखेगा, 2000 आरपीएम कर लिए हैं। चलो जी बढ़ गई।